कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है विज्ञान का एक अजूबा, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, द चनाब ब्रिज। 1315 मीटर लंबा, नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना और 467 मीटर के आर्च से सजा ये पुल आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी इमारतों से भी ऊंचा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, he has put laser sharp focus on the development of the country. Chenab Bridge, all these tunnels, this project, this is one of those examples. This will become the lifeline of Jammu and Kashmir. This will connect the Srinagar and the Kashmir Valley with the rest of the country. The engineers, the technicians, the designers, and all my friends who have put their blood and sweat in this project, I salute them. अब सुनिए एक कमाल की बात। इसमें 25,000 टन मेटल इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी आईफिल टावर से तकरीबन 3 गुना ज्यादा। पता है जब चिनाब ब्रिज तैयार होगा तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण क्या होगा? इसका आर्च। इसे इंजीनियर्स ने करीब 2.5 साल लगाकर केबल क्रेन्स की मदद से तैयार किया है। लेकिन इस पुल में सिर्फ खूबसूरती पर ही नहीं, बाकी तमाम पहलुओं पर भी ध्यान रखा गया है। ये -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को आसानी से झेल सकेगा। Isn't that amazing? और तो और, इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि 2001 के गुजरात भूकंप जैसे हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स का भी सामना कर लेगा। The beauty of this bridge is that even if one of the pillars is missed, you can still have the bridge intact. Major fabrication has been done at site, as compared to what is normally done in the European countries. The quality that has been achieved has been appreciated by a lot of international experts who have come and visited this project site. रियासी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा ये पुल न सिर्फ कश्मीर के कौरी और बक्कल गांवों को जोड़ेगा, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेल सेवा शुरू करने में भी मददगार साबित होगा। चिनाब ब्रिज सिर्फ यातायात के बेहतर रास्ते ही नहीं खोलेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने का जरिया भी बनेगा। इसे देखकर हर भारतीय गर्व से कहेगा, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।